छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झुमका जल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झुमका जलाशय के साथ घुनगुट्टा जलाशय को भी पर्यटन क्षेत्र घोषित किया। वहीं केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करता बजट 2024-25 भारत के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने का माध्यम है। कोरिया से संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट। हम स्वयं उनसे जाकर मिले हैं और आज भारत सरकार का आदरणीय मोदी जी का अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है और इस बजट में मुख्य रूप से हमारे देश की महिलाओं, अन्नदाताओं, युवाओं और गरीबों पर विशेष फोकस किया गया है और जिस तरह से मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको आवास की समस्या होती है उनके लिए विशेष आवास योजना का प्रावधान रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि सबको रहने के लिए अच्छा मकान मिले और को बिना ब्याज के 75,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है जिससे जो हमारे यहाँ के युवा पीढ़ी हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। अभी तक देश में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है, आने वाले समय में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इस अंतरिम बजट में फोकस किया गया है। तो इस तरह से बहुत अच्छा ये बजट आज अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है। हम स्वयं उनसे जा